खाद्य पदार्थों में मिलावट को दूर करने के लिए इंदौर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मंगलवार को दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट एसोसिएशन के साथ मिलावट से दूर रहने और शुद्ध सामग्री शहरवासियों को पहुंचाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि आम जनता को खाद्य सामग्री शुद्ध रूप से मिलना चाहिए। अब सेकंड चरण में हम लोगों ने दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स के लोगों की ट्रेनिंग का रखा है, उसमें सभी लोग आ रहे हैं जो दूध का उपयोग किसी तरह से भी कर रहे हैं, उससे जो भी बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और कल भी ऐसे ही हम लोग एक अवेयरनेस सेशन होगा, क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है। जैसे दूध के मामले में जो दूध के प्रोसेसिंग करने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, उन कई लोगों को ये नहीं मालूम था कि एसिटिक एसिड मिलाने से जहर रहता है, उससे नुकसान होता है, तो सैंपल भी फेल होकर आ गए हैं उसके। अब उनको समझ में आया है कि ये गलत था, ये हमको नहीं करना चाहिए था। इस तरह का जो गैप है उसको लेकर के, प्रोसेस को लेकर के, उस गैप को ख़त्म करने के लिए ये बार बार हम लोग कर रहे हैं।